मुझे ये अमरीका वालों ने ये चीज खिला खिला के मोटा हो गया। थोड़े जान देखो, पहले कमजोर था, अभी तो मैं बूढ़ा हूँ ना, बूढ़े का तो जान कमजोर होना चाहिए, लेकिन मेरी जान बढ़ती जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आज हम आपको खिलाएंगे मोंटी क्रिस्टो सैंडविच। मोंकी सैंडविच? मोंकी क्रिस्टो सैंडविच नहीं सर, मोंटी क्रिस्टो सैंडविच। मोंटी 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 क्रिस्टो सेवन। अच्छा, नाम इतना बड़ा रख दिया तो हमें तो नाम ही नहीं आता। ये जो उनका सेवन है, सबका ये बाप तो नहीं है कोई, वैसे इतना बड़ा नाम रख दिया। सर ये अमेरिका का सैंडविच है, और इस सैंडविच में ना हैम इस्तेमाल किया जाता है। हैम मनी वो जो सुअर का गोश्त होता है ना, लेकिन आपके लिए इसमें वो हराम है सुअर का गोश्त, उसमें चिकन का इस्तेमाल किया गया है। और ये सैंडविच जल्दी तैयार हो जाता है जब आपको भूख लगे, आराम से बना के खा लें। हम तो इस चीज़ का नाम भी पसंद करना नहीं चाहते, क्योंकि हम मुसलमान के लिए बहुत ही हराम है। वो नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। वैसे सैंडविच तो बहुत सारे, अभी पिछले दिनों हमने खुद जो उसमें बड़े मशीन में बना कर खाया था, तो इसलिए आपके लिए चिकन डाला गया। तो आप ट्राई करना चाहेंगे? चिकन जरूर खाएंगे, चिकन तो हम लोग खाते रहते हैं। खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है, देखते हैं कि ये किस तरह का बना हुआ है। ये तो बहुत ही खूबसूरती से, और ये तो सीढ़ियों नुमा बना हुआ है, यानी कि ये एक दो तीन थे, और मेरे ख्याल तीनों में काफ़ी मवाद भरा हुआ है, और खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। ये देख रहे हैं आप, क्या ये है? ये क्या पीला पीला कलर दिया हुआ है? अंदर तो सफेद पड़ा है, पता नहीं क्या मक्खन डाला है, क्या डाला है इसमें। सर अंदर पनीर है, और चिकन है, और मायली है, और इसको ना अंडे में डुबा कर पकाया गया है। अभी जो बना हुआ भी खूबसूरत है, अंदर देखो पूरा। वैसे ये बनाने वाले ने तो बड़े कमाल का बनाया है, बहुत ही मेहनत की होगी। और ये देख रहे हैं अब, ये चीज ऐसे निकल रही है जैसे कोई मतलब आतिशफशा पहाड़। देख सकता है, मैं खाऊंगा, लेकिन देखने वालों का भी दिल रहता होगा कि हमें देवे तो मैं भी खा जाऊं। मेरे ख्याल में ये साथ में ये केचप भी रखा हुआ है, लेकिन केचप नहीं है, ये चिल्ली गार्लिक सॉस है। चिल्ली गार्लिक सॉस, हाँ, ये भी बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि इसमें मिर्चें डली हुई है। पहले ट्राई करते हैं। तो ये तो कमाल का सैंडविच है, इतने सैंडविच मैंने खाए, लेकिन इस तरह का टेस्ट आज तक मैंने नहीं देखा। बहुत ही जबरदस्त भाई। मुझे ये अमरीका वालों ने ये चीज खिला खिला के मोटा हो गया। थोड़े जान देखो, पहले कमजोर था। वाह जबरदस्त, ये देखना है। मेरे ख्याल में आपके भी मुंह में पानी आता होगा, बहुत ही जबरदस्त। बहुत ही जबरदस्त है, जायका तो मजेदार है। थोड़ा चटनी दिखाऊं तो पता चलेगा। चटनी से ऐसा मजा करता है, बोला चटनी से खाता ही नहीं, बहुत मजा करता है। ऐसा तो फीका फीका लगता है ना, चटनी से मजा करता है बहुत। भाई इसमें मुर्गी तो मेरे ख्याल में उबाल के डाली गई है, और ये अंडे का जायका भी बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। हम लोग का यहाँ जो बनाते हैं ना, उसमें मिर्ची ज्यादा होता है, मसाला ज्यादा होता है। हरे कोई बाहर के मुल्क वाले नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें मसाला तेज होता है, मुँह जलता है। ये तो ऐसा बना हुआ है जो बच्चा भी खा सकता है। और अंडा भी इसमें मुख्तलिफ किस्म का, यानी हम तो अंडा पका के इसमें डालते हैं, लेकिन ये अंडों में डुबाया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। बहुत मजे में रहा है, वो आइडिया भी अच्छा दिया है, हम भी खा लूंगा, ये घर में जरूर बनाएंगा मैं। वाह भाई वाह अमरीका, क्या जबरदस्त मोंकी सैंडविच बनाया है। मोंटी सैंडविच बहुत ही जबरदस्त है। सेहत के लिए भी अच्छी है, अक्सर मरीजों का जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये डॉक्टर ऐसी चीजें बोलते मरीजों को खाओ,
जो मसाला भी नहीं है, हल्का हुए ऐसी चीजें, जो अंडा भी साथ में हुए, पनीर भी साथ में, ऐसी ऐसी चीजें। मोंटी क्रिस्टो तो मेरे ख्याल में इमरजेंसी क्रिस्टो सैंडविच होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी मतलब मेरे ख्याल में जिस तरह बना हुआ जल्दी बन जाता होगा बआसानी। चिकन और गोश्त ज्यादा में सब्जी खा गए तो सब्जी इसमें थोड़ा सा होता था ना, मैं और ज्यादा मजा हो जाता है, सब्जी से बहुत जायदा हो जाता है। या सैंडविच मतलब जो भी लो तो उसमें या तो दाल का या गोश्त का मतलब वो कबाब डाला होता है, और फिर उसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की चटनियाँ वगैरह डालकर उससे खाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल यानी शरीफ सादा सा है, लेकिन जायका बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। लेकिन सैंडविच नहीं, मुझे नहीं कभी पता था कि ये भी अंडे में डुबा के पकाते हैं। ये पहली मरतबा मैंने सुना भी और अपने आंखों से देखा भी और खाया भी, तो ये पता चला कि वाकई चीज़ बना है, बनी हुई है वाकई। चाय के साथ ये सैंडविच मिल जाए ना, बड़ा मज़ा आ जाएगा। मतलब वो शाम यादगार शाम होगी। पसंद आया आज आपको मोंटी क्रिस्टो सैंडविच? मुझे सैंडविच मुझे बहुत मजा आया, बहुत आज मैं खुश हो गया खा के। ऐसे भी नहीं ऐसी टेबल में अमेरिका की चीजें ज्यादा खा था। वेरी वेरी वंडरफुल सैंडविच, यमी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।